विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैं पात्र लेकर आया हूं, ताई जो भी आशीर्वाद देंगे उसे ग्रहण करके भोपाल ले जाऊंगा। विधानसभा में किए गए नवाचार को लेकर गिरीश गौतम बोले कि इस बार विधानसभा में नए विधायकों और पहली बार प्रश्न पूछने वाले विधायकों को पूरा मौका दिया जाएगा। विपक्ष के सत्र जल्दी खत्म करने पर बोले कि सत्र कितना लंबा चले उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि विधानसभा में हुई चर्चा पर कोई निष्कर्ष निकले। इंदौर से देवेंद्र खन्ना के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जो विधानसभा में आना जरूरी था। नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार भरपूर अवसर मिला। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने तारीख पर विधानसभा चलाते हैं, आप 100 दिन चलाइए ना, भाई 100 दिन के भीतर यदि कोई बहस नहीं हुई, कोई सार्थक संवाद नहीं हुआ, कोई सार्थक परिणाम निकला, तो 100 दिन की गिनती करने का क्या अर्थ है। यदि हम कम दिनों में ही ज़्यादा समय दे करके हम वहाँ ज़्यादा संवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को बोलने का अवसर दे सकते हैं, जो किया इस बार उसे काफ़ी है उतना। दूसरा ये है कि इस कारण से नहीं बंद किया गया कोई, अभी तो सब ठीक है चल रहा, तो कोई गड़बड़ थोड़ी था, सब ठीक था। वो कोरोना का हमारे कर्मचारी, हमारे मार्शल कई आ गए, 5-5 विधायक कोरोना से पीड़ित हो गए, और सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो सरकार का नाइट कर्फ्यू धारा 146 लगने के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि विधानसभा चलाए रखने से एक संदेश गलत जाता, इसलिए हुआ कि हम ही सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। भाई सर, 4 चीज़ों का नवाचार मैंने शुरू किया। एक तो ये कि जो प्रथम बार के विधायक आते हैं उनको अवसर कम मिलता है अपनी बात उठाने का या रखने का, क्योंकि हमारे यहाँ सलाका सिस्टम होती है, उससे जिसके लॉटरी में आएगा वही आएगा। तो मैंने ये तय कर लिया कि जो प्रश्नकाल के भीतर जितने प्रश्न प्रथम बार वालों के हैं उन्हीं को लॉटरी में डालो, तो 25 के 25 जो निकलेंगे केवल प्रथम बार वाले निकलेंगे, और मैंने करके देखा। और दूसरा काम ये किया कि कई बार होता है कि विधानसभा या संसद के भीतर भी, संसद में तो ताई के सामने कम होता रहा होगा, विधानसभा में ज़्यादा होता है, जब वो पहली बार का विधायक जब खड़ा होता है किसी पूरक प्रश्न के लिए, तो जो सीनियर विधायक हैं वो उसके प्रश्न को अपनी तरफ से करने को तो वो अपना ये कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, पर मदद करने की जगह में वो अपनी बात ज़्यादा कहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उसमें रोक लगा दी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा प्रथम बार का विधायक वही प्रश्न पूछेगा, जितना समय चाहिए, जितना संरक्षण चाहिए हम उसको देंगे, पर उसका कोई मददगार नहीं खड़ा हो उसको पूछने, इसलिए एक नवाचार ये किया। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा विभागीय जो चर्चा होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का पार्टिसिपेशन हो, और इसीलिए जो अभी रिकॉर्ड निकला है उसके हिसाब से शाम को 5 या 6 बजे सदन में विधायकों की संख्या बहुत कम हो जाती थी, और कई बार तो कोरम के अभाव में घंटियां बजती रहती थी, इंतजार करते रहते थे, पर ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस बार पहली बार ही शाम को 6 बजे भी बैठक चल रही, तो उसमें भी 70 से 75% उपस्थिति यदि बनी रही तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता, मैं ऐसा समझता हूँ। सत्र काफ़ी कम चला, हमने 3 कमेटियाँ बनाई हैं, जैसे अभी एक चीज़ हो रही थी कि जो कर्मचारी हैं वहाँ खासतौर पर मिनियल्स हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं, डेली वेज के हैं, तो उनके सामने संकट था कि उनकी बात कौन करे, क्योंकि उनको स्पीकर से मिलने ही नहीं दिया जाता था। तो हमने ये नवाचार किया कि भाई हम स्पीकर आए हैं, परिवार के मुखिया हैं, उनको हमसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता, उनसे अलग से बैठ करके बातचीत की, उनको अलग उनकी समस्याओं को सुना, और वो सुन करके एक समितियाँ बना दी कि इनकी समस्याओं को क्या प्रतिवेदन हो सकता है उसको दीजिए, उसका फैसला हम करेंगे। जैसे एक छोटी बात आपको बताते हैं, 8 साल 10 साल हो गया जो संपदा से जो मकान निर्माण होते हैं उन मकानों के निर्माण में विधानसभा को भी एक हक है, उसका कोटा तय है, 3 से 5% हमको भी मकान मिलना चाहिए, 8-10 साल से हमने किए नहीं। तो हमने बैठक की और बैठक करके संपदा वालों को बुलाया, ACS ग्री को बुलाया, हमने कहा कि हमारे हिस्से का मकान हमको चाहिए और हमको 1 महीने के अंदर आप मकान दीजिए, और उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, और उन्होंने कहा भी है कि 40 के आसपास मकान हम आप दे देते हैं, आप सूची दीजिए हम तत्काल अलाट कर देंगे। इस तरह से छोटी छोटी बातें थी जिनको हमने करने का प्रयास किया कि आखिरकार वो भी तो उसी परिवार का सदस्य है, मेहनत करता है, रात दिन करता है, और उसकी भी नहीं सुना, केवल विधायकों की सुन करके चले जाएँ ये भी शायद ठीक नहीं होगा। केवल सदन के हम वहाँ पर संरक्षक थोड़ी हैं, जो विधानसभा के हमारे काम करने वाले लोग हैं उनका भी संरक्षक हूँ, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस दिशा में काम किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।